वेलकम बैक टू सबिया लाइफस्टाइल। रमज़ान की आमद थी और मैंने ये वीडियो शूट किया था, लेकिन मतलब वक्त नहीं मिला अपलोड करने के लिए। तो मैं आपको रमज़ान की बहुत बहुत सी मुबारकबाद आप सबको। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में रमज़ान खुशियाँ लेके आए, सबके घरों में नियामतें बरकतें हो और अल्लाह ताला सबको ये रमज़ान मुबारक करे। तो सबसे पहले हम गए कैरफोर में। कैरफोर से हमने थोड़ा सा हमारा सामान लिया, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें जो ऑफ़र में रहती है वो भी लेते हैं। जैसे रमज़ान के लिए हमें समोसा पट्टी वगैरह जो चाहिए थी तो हमने कैरफोर से लिया। फिर उसके बाद हम चले गए मीना मार्केट। मीना जो यहाँ पे वेजिटेबल, फ़िश और डेस वगैरह होलसेल मार्केट है। जो यूएई में रहते हैं उनको पता है कि मीना पोर्ट पे कहाँ के वेजिटेबल मार्केट क्या है वो। तो चलिए तो दिखा देती हूँ मैं वहाँ का टूर। तो यहाँ से हमने वेजिटेबल फ्रूट्स ख़रीदे। और ये रॉयल डेट्स है, ये डेट्स हमने वहाँ, ये हम मैं हमेशा यहीं से ख़रीदती हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है। अगर आपको कहीं किसी को गिफ्ट करना है और किसी के यहाँ भेजना है इसको डेट्स को, या क्वालिटी वाइज अच्छे डेट्स चाहिए तो ये दुकान बहुत अच्छी है। ये मीना मार्केट में है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं यहाँ से हमेशा ख़रीदती हूँ तो मुझे लगा कि शायद आप लोग के भी कुछ फ़ायदे में काम आए ये जगह, तो मैंने आपको बता दिया कि रॉयल डेट्स वहाँ डेट्स बहुत अच्छे और रिजनेबल मिलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा रूटीन सा जैसे हमेशा हर महीने हम करते हैं हमारी ग्रोसरी शॉपिंग, वैसी शॉपिंग हुई। इतना कुछ फास्ट, इतना मतलब कुछ हाई फाई शॉपिंग नहीं होती हमारी। नॉर्मली जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में हमको ज़रूरत होती है बस हम वही जाके वहाँ से ख़रीदते हैं। अभी तो रमज़ान शुरू हो चुका है तो काफ़ी रश होगी वहाँ पे। और इस वक्त अबू धाबी में ना बहुत ही अलग माहौल होता है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स होती है यहाँ पे। और ऐसा लगता है मतलब फेस्टिव सीज़न समझ में आता है कि हाँ कि लाइटिंग्स लग गई, यानी अब रमज़ान शुरू होने वाला है या रमज़ान शुरू हो गया है। ये रमज़ान से पहले की क्लिप है, तब तक रमज़ान शुरू नहीं हुआ था तब ही इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगा देते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ये फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है। अब मैं आपको देने वाली हूँ तीन रेसिपीज़ में दो समोसा है और एक है चिकन डोनट्स। एक समोसा चिकन समोसा है और एक समोसा जो है वो मटन समोसा है जो हेल्दी वर्जन है। अगर आप उसको हेल्दी खाना चाहते हैं तो, वैसे समोसे हेल्दी तो होते नहीं हैं लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आए तो आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था ज़ीरो ऑयल रेसिपी है ये, अभी तक जब तक ये बन रही है। अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये ज़ीरो ऑयल नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इसको हम लेंगे एक कढ़ाई में, उसमें तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे, जस्ट मिन्स को मैंने मटन मिन्स को ऐड किया। जब पूरा पानी ड्राई हुआ तो उसमें मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, चिली फ्लेक्स, और जब उसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया, जब ये मसाला भुन गया तो मैंने उसका फ्लेम बंद कर दिया। फिर उसमें ऐड कर दिया मैंने कच्ची प्याज और उसके साथ हम प्याज के पत्ते भी ऐड करेंगे, लेकिन जब ये फ्लेम बंद होगा तब ये सारी चीज़ें ऐड करनी है ताकि वो उसकी गर्मी में, उसके मॉइस्चर में वो पक जाए सारी चीज़ें। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया धनिया और पुदीना, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। अगर आपको चाहिए तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ में थोड़ा सोया भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मेरे बन गए मटन समोसे, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। अब चलते हैं हम बनाते हैं चिकन के समोसे। ये बहुत ही टेस्टी और मेरे घर में सबने बहुत पसंद किए हैं, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपने इसको ट्राई किया है। तो सबसे पहले मैंने लिया था 250 ग्राम चिकन, जिसको मैंने अदरक लहसुन लगा के बॉईल करके ले लिया और उसको श्रेड कर दिया। फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया था ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा धनिया और कैप्सिकम, थोड़ी सी जो बारीक बारीक कैप्सिकम कट करके वो ऐड कर दी थी, और नमक आप डाले नहीं तो भी चलेगा। और उसके बाद मैं उसमें ऐड की थी क्रीम चीज़, मैं उसको आप कहीं पे भी आपको फोटो शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। तो वो
क्रीम चीज़ ऐड कर दी थी मैंने, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसकी स्टफिंग मैंने ऐड कर दी थी समोसा की पट्टी में। तो ये मेरा सेकेंड समोसा हो गया। थर्ड जो रेसिपी है वो चिकन डोनट्स है। तो सबसे पहले वही सेम मैंने एक साथ ही मैंने चिकन को मैरिनेट करके उसको अदरक लहसुन का मैरिनेट करके उसको बॉईल करके ले लिया था। तो 250 ग्राम मैंने उसमें ऐड किया, 250 ग्राम अब मैं चिकन डोनट्स में ऐड करूँगी। तो चिकन डोनट्स में मैंने सबसे पहले चिकन लिया, फिर उसके साथ मैंने हरी प्याज ऐड की, कैप्सिकम ऐड कर दिया। और इसमें कुछ भी मसाले नहीं है, उसमें सिर्फ नमक है और थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च। अगर आपको मसाले चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। और उसके बाद मैंने मैश किए हुए पोटैटोज ऐड कर दिए, दो बड़े पोटैटोज लिए थे जिसको मैंने मैश किया था और उसको ऐड कर दिया, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। इन सबको मिक्स करके आप उसके कटलेट शेप बना सकते हैं, अगर आप चाहिए तो इसको कटलेट बना सकते हैं, लेकिन मैंने उस डोनट का शेप दिया था। डोनट बनाने के बाद उसको आपको पहले सबसे पहले उसको ऐड करना है अंडे के इसमें, और उसको और फिर ब्रेड क्रम में, और फिर उसको फ्रीज कर देना है। ये भी बहुत मजे की रेसिपी है। और ये मेरा प्रेप तैयार हो गया, समोसे दो तरह के और डोनट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। माना कि देर से रेसिपी आ रही है, लेकिन रेसिपीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी मिल जाएगी। आपको सब रेसिपीज पसंद भी आएगी। पसंद आए तो क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सबियाज लाइफस्टाइल। और दुआ में याद रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।